बिहार में आज आंगनवाड़ी सेविका और सहसायिका संघ की गया जिला इकाई ने अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर स्थानीय जदयू सांसद विजय मांझी को एक ज्ञापन सौंपा है। संघ के पदाधिकारी द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि ICDS योजनाओं के लिए पर्याप्त बजट व इनके न्यूनतम वेतन, ग्रेच्युटी पेंशन की व्यवस्था करने, आंगनवाड़ी केंद्रों को मूलभूत सुविधाओं के साथ गुणवत्तापूर्ण सेवाओं हेतु बजट उपलब्ध कराने, सकल घरेलू उत्पादन का 6% शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में आवंटन उपलब्ध कराने, आंदोलनकारी सेविका व सहायिकाओं पर से सभी तरह के मामले को वापस लेने व बर्खास्त कार्यकर्ताओं को बकाया मानदेय के साथ बहाल करने तथा नई शिक्षा नीति 2020, पोषण ट्रैकर ऐप, डिजिटल हेल्थ मिशन व लेबर कार्ड को तुरंत रद्द करने की मांग शामिल है। सर के पास क्या मांग है? हम लोग का मांग यही है कि जो हम लोग का नूतन मजदूरी जो होता है, जो हम लोग को मिलना चाहिए सरकार के तरफ से, वो मिल नहीं रहा है। अभी देखिए, बच्चों का मौसमी फल देने के लिए बोलता है सरकार, हम लोग का बच्चों को खाने के लिए कहता है 1 रुपया केला मिल रहा है, हम लोग का देने के लिए कहता है 1 रुपया केला, बाजार में देखे कीमत केला का है 40 से 60 रुपया दर्जन, और हम लोग का कहता है बच्चों को 1 रुपया केला खरीद के खिलाओ, 7 रुपये आलू दे रहा है, 60 का दाल दे रहा है, तो हम लोग क्या करें सेविका? हम लोग किस स्थिति में तंग आकर आज हम लोग सर के पास लेटर से सौंप रहे हैं, और इसके बाद हम लोग आगे की कार्रवाई जारी रखे गई है। वही हम लोग का मेन मुख्य मांग है कि हम लोग को न्यूनतम मजदूरी 26,000 रुपया किया जाए। अगर ये मांग पूरी नहीं होती है तो क्या आप इस पर आगे कदम उठाएं? अगर मेरी मांग पूरी नहीं होती है तो हम लोग ऑल इंडिया लेवल पे पूरा धरना प्रदर्शन, जब तक हम लोग को मांग पूरी नहीं होती है तब तक हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे। आज सांसद महोदय के द्वारा यह भी सूचना देने आए हैं कि हम लोग को जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग आंदोलन करेंगे। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम अनीता झा है, मैं गया जिला अध्यक्ष। क्या आपने मुख्यमंत्री के पास इसी ज्ञापन को सौंपा? हम लोगों ने मुख्यमंत्री के पास ये ज्ञापन 26 दिसंबर को हम लोग ऑल राज्य में बैठक कर करके, और 27 दिसंबर को हम लोगों ने यह मांग पत्र को मुख्यमंत्री के द्वारा